खुश हो सब, खुश हो आज, क्योंकि आप किसकी ग्रेस के नीचे हो, किसके नीचे हो। और बाइबल बताती है कि जो उसकी ग्रेस के नीचे, उसके हाथ के नीचे रहते हैं, बोलो क्या है। क्यों दाऊद कहता कनवे जबूर भजन सहता कनवे, क्यों लिखा कि जो अत महान उस परमेश्वर की ओट में रहता, वो सर्वशक्तिमान की साई में क्या पाएगा, ठिकाना पाएगा। इसलिए दाऊद कहता यहोवा मेरी पनाह, मेरा गढ़ है, मेरा बल है, मैं कभी भी ना गिरूंगा, मैं डिगांगा नहीं। बोलो, और कब लोग गिरते हैं, कब लोग रोते हैं और परेशान होते हैं, जब लोग परमेश्वर की पनाह में नहीं रहते। क्या नहीं रहते? उसकी ग्रेस के, उसके हाथ के नीचे नहीं रहते। हाँ, अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे ये मेरा हाथ है, तो मान लो ये माइक ये जो माइक है, ये आप हो, ये ग्रेस का हाथ परमेश्वर का, और ये माइक आप हो, और आप इसके नीचे हो। और जब तक आप इसके नीचे रहोगे, तब तक शैतान कोई हालात आपको छू ना पाएगा। मैंने कहा तब तक कोई हालात शैतान आपको छू ना पाएगा। और जब आप उसकी ग्रेस से कैसे ऐसे साइड, समझ आ रही है, उसकी ग्रेस से साइड पर आओगे, तब आएंगे हालात, तब आएंगे दुख। इसलिए फैसला आपने करना है, परमेश्वर ने नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपना काम आज से 2000 साल पहले कर दिया है। मैंने क्या कहा, अब फैसला आपने करना है कि आपने कौन सा जीवन जीना है। क्यों लिखा, बाइबल क्यों बताती धर्मी जन किस चीज से जीवित रहेगा, बोलो किस चीज से, मेहनत करने से, कि वो बहुत काम करेगा, बहुत पैसा कमाएगा, बहुत धन इकट्ठा करेगा, फिर वो इस दुनिया में जो मजेदार जीवन है, हाँ, वो जिएगा। नहीं, परमेश्वर का वचन इस दुनिया से अलग है, समझ आ रही है, पैसे से नहीं। बोलो, क्योंकि हर सुख पैसे से नहीं, हर सुख किससे पाया जाता है, किससे पाया जाता है, और वो कब मिलता है, जब हम उसकी ग्रेस के नीचे रहते हैं। मैंने क्या कहा, जब आप उसकी ग्रेस के नीचे रहते हो और बने रहते हो। इसलिए बाइबल में लिखा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, किससे रहेगा, ऐसे नहीं कि बहुत मेहनत करेगा। मैं ये नहीं कहता कि मेहनत नहीं करनी, हाँ, क्योंकि बाइबल में बताती कामकाजी लोग प्रफुल्लित होंगे, आलसी लोग क्या होंगे। मैं ये नहीं कहता मेहनत नहीं करनी, पर कुछ लोग अपनी बुद्धि से मेहनत करते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा अगर घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। हाँ, अगर अपनी बुद्धि से कुछ करोगे तो कुछ नहीं पाओगे, अगर खुदा के वचन के मुताबिक आप अपने जीवन को चलाओगे तो जितना आपने सोचा उसे कई गुना आपके पास ज्यादा होगा। आमेन। मैंने कहा जितना आपने सोचा है उससे कई गुना ज्यादा आपके पास होगा। और बहुत सारे लोग हैं जो उसकी ग्रेस के नीचे से निकल कर जो जीवन को कमाते हैं, उसे दूर होकर, कैसे, उससे दूर होकर, हाँ, अपने बच्चों के लिए वो धन इकट्ठा करते हैं, अपने आप के लिए, हाँ, अपने घर के बनाने के लिए, बहुत सी चीजों के लिए, हाँ, पर वो ठोकर खाते हैं कभी कभी, क्योंकि फायदा किस चीज में रहने में, उसके ग्रेस के नीचे। दाऊद क्यों कहता है, फिर वो अगर आप कानवे भजन सहता जबूर पढ़ोगे तो उसमें आगे आगे लिखा है कि वो तुझे महामारी रोग से, हाँ, बहेली ये जाल से, जो शैतान अपना तीर दिन दोपहरे आपके जीवन को उछाड़ने के लिए आपकी तरफ छोड़ता है, हाँ, रात की चांदनी से, दिन के उजाले से तुम्हें कोई क्या ना होगा, हानि ना होगी तुम्हारी, क्या ना होगी, पर कब हानि ना होगी, जब आप उसकी ग्रेस के नीचे रहोगे, उसमें बने रहो। और जब लोग ऐसा नहीं करते, हाँ, तब वो लोग दुख में आ जाते हैं,
फिर से मुसीबत उनके ऊपर आ जाती है, फिर से दुख आ जाते हैं। जिस चीज के लिए आपने विश्वास किया, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, उसमें ना रहने की वजह के कारण इन लोग फिर से दुख में आ रहे हैं। कितनों को समझ आ रही है, कितनों को समझ आ रही है? ये नहीं कि परमेश्वर आपकी जरूरतों को नहीं जानता, वो जानता है। मैंने क्या कहा? ये नहीं कि परमेश्वर आपकी जरूरतों को नहीं जानता, वो जानता है और आपकी सोच से आपको ज्यादा देगा। मैंने क्या कहा? आपकी सोच से आपको ज्यादा देगा, पर प्रैक्टिकल नहीं किया। क्या नहीं किया? प्रैक्टिकल करके नहीं देखा, उसके साथ जीकर नहीं देखा, उसकी ग्रेस के नीचे रहकर उसको, हाँ, जैसे इसराइलियों को आज्ञा दी, 6 दिन अपने काम करो और 7वें दिन अपने यहोवा परमेश्वर के लिए क्या रखो? विश्राम का दिन। क्या रखो? कोई भांति भांति का काम मत करना। समझते हो? अगर आप परमेश्वर के वचन की उस आज्ञा के अनुसार अपना जीवन जियोगे, तो देखना परमेश्वर आपको कितना ब्लेस करेगा, कितना आशीष करेगा। हाँ, कैसे आप गवाहियों से आओगे? हाँ जी, हाँ, इतने महीने हो गए मेरा ये काम नहीं हुआ, इतने हफ्ते हो गए नहीं है, जैसे मैंने मन बनाया मेरे रास्ते खुल रहे हैं। आमेन, हालेलुया। जैसे आप मन बनाओगे, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, आप गवाही से आओ, आप फैसला लोगे। मैंने संडे भी बताया था, हाँ, बिलीव टू रिसीव टू इक्वल, विश्वास बराबर है प्राप्त करने, विश्वास बराबर है प्राप्त करने। अपने एक हाथ से अपना विश्वास, वो वाला मन, अपना जीवन किसे दे दिया? बोलो, किसे दे दिया? ऐसे दे दिया, एक हाथ से दे दिया और दूसरे हाथ से ले लिया। कितना आसान है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर की जो आज्ञाएं वो कठिन नहीं है। हाँ, परमेश्वर के पास आना कोई कठिन है? हाँ, बोलो। हमारे प्रभु ने, जो राजों का राजा था, उसने पैदल मीलों सफर किया, पैदल मीलों। आपको तो, आपके लिए तो कितना इस समय में कितनी सुख सुविधा है। हाँ, ऑटो बस है आज तो, अपने लोगों के पास अपनी कन्वेंस है। हाँ, बाइक मोटरसाइकिल गाड़ियां हैं। परमेश्वर अपने लोगों को देगा। अगर जो लोग आज बस से आ रहे हैं, ऑटो से आ रहे हैं, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड देता हूं कि उनके पास खुद की होंगी। मैंने कहा खुद की गाड़ियां आपकी होंगी और भी बेस्ट, बढ़िया वाली। कैसे वाली? बढ़िया वाली गाड़ियां आपके पास होगी। पर कब होगी? जब आप अपने हिसाब से नहीं, उसके वचन के मुताबिक चलो, तब। मैंने कहा हाँ, नहीं है तो करके देखो। अब भजन संहिता 34 जबूर पढ़ो, उसके 34:7 में क्या लिखा, परख कर देखो। कैसे? परख कर देखो, परख कर। तो यहोवा कितना भला है। परख कर मतलब पंजाबी में उसे कहते हैं चक्कर देखो, स्वाद चक्कर तो देखो, उसे करके तो देखो, ऐसे उसके साथ जीकर तो देखो। सच्ची में वो ऐसे हमें ब्लेस करता है, आशीष करेगा। हाँ, हमारी घटी को पूरा करेगा, जो हमारी इस संसार में जरूरतें, क्या उसे परमेश्वर पूरा करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? बताओ, समझ आ रही? कितनों को समझ आ रही है कि वो करेगा? बाइबल जाती है अफिसियों 3:20 में खुदा ने अपना वचन दिया। ये सब चीजें आपके जीवन में जब वचन होगा ना, तब होगा। नोट करना ये वचन अफिसियों 3:20 में परमेश्वर ने हमें कहा, मैं अब अजहां समर्थी हूं। समर्थी मतलब शक्तिशाली हूं, कि मैं तुम्हारे सोचने और मांगने से कहीं गुना अधिक कर सकता हूं। तारीफ करो खुदा की इस बात के लिए। मैंने कहा आपके सोचने और मांगने से वो कई गुना ज्यादा कर सकता है। और कितने निर्बुद्धि लोग हैं। उसने कहा अपना जुआ मुझे, जो भारी वाला भोज है जुए वाला, वो मुझे दे दो। हाँ, हल्का मुझसे लो। पर लोग अपनी हाथों से बदलते नहीं, पता नहीं, मुझे
क्यों ऐसे क्यों नहीं करते? वो क्यों सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने आकाश पृथ्वी हर एक चीज को बनाया, आप सोचो ये पृथ्वी जिस पर आज हम काम काज करते हैं, बिजनेस करते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर वो ना इस पृथ्वी को, इस धरती को बनाता, क्योंकि ये पृथ्वी, ये धरती, बाइबल में आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ो, एक अध्याय लिखा, ये पानी पानी था और घूड़ क्या था? अंधेरा था। किसने इसे पानी को एक साइड पर, सूखी भूमि को धरती कहा? जो हमारे लिए इस रहने के लिए धरती बना सकता, इस धरती पर हमें पैदा कर सकता है। आप सोचो अगर वो हमें पैदा ही ना करता, फिर आप क्या करते? सोचो, जो लोग परमेश्वर से दूर होकर उसकी ग्रेस से जीते, मैं उनके लिए कह रहा हूं, अगर मान लो वो आपको बनाता ही ना, आप क्या कर लेते? हाँ, मैं उनके लिए ये वचन बोल रहा हूं जो उसकी ग्रेस से पीछे निकल कर जीते। अगर वो बनाता ही ना, तो क्या भाई, क्या बिजनेस, क्या काम, हाँ क्या करना है? क्यों प्रभु ने कहा, एक धनी का दृष्टांत दिया प्रभु ने, कि उसने सारी उम्र अपने धन इकट्ठा किया और एक रात उसके स्वर्ग दूत आ गए, उसने कहा आज तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा। उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने सारी उम्र यह धन इकट्ठा किया, ये कैसे हो सकता है? तो वो नहीं माने का, उन्होंने कहा कि हमें किसकी ओर से आज्ञा है? फिर उस धनी व्यक्ति ने कहा ऐसा करो, आधा धन आप ले लो और आधा हमारे पास रहने दो, ताकि आप भी मजे लो और मैं भी लेता हूं, क्योंकि मैंने तो सारी उम्र क्या किया। हाँ, और बाद में स्वर्गदूत नहीं माने, समझ आ रही? और फिर उस बंदे ने दूतों को कहा कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो भाई मेरा सारा धन ले लो, पर मेरी प्राण, मेरी जान को बख्श दो, क्योंकि जान धन से, दुनिया की सब चीजों से क्या है? कीमती। बोलो आप फैसला करो, ऐसा है कि नहीं है? जब किसी के ऊपर मुसीबत आती है तो वो धन नहीं देखता, लोग कर्ज उठाते हैं अपने कामों के लिए, उठाते कि नहीं? अपने कामों के लिए वो कर्ज उठाते हैं, अपनी चीजें गिरवी रख देते हैं, अपनी जमीनों को बेच देते हैं, अपने घर तक गिरवी रख देते हैं, हाँ अपना सोना तक बेच देते हैं। जब ये इस जीवन की बात आती है, समझते हो? इसलिए उस धनी ने भी कहा मेरा सारा धन ले लो, पर मेरी जान को बख्श दो, क्या कर दो? उन्होंने कहा ऐसा भी नहीं हो सकता, तू सारा धन दे तब भी तेरा प्राण लिया जाएगा। और वो परमेश्वर जिसने आपको जान दी है, जो जीवन दिया है, हाँ हमने संडे की मीटिंग में सुना था ना, रोम की पत्री 8:32 में, कि जिसने अपना निज पुत्र रख निछोड़ा, क्या वो बाकी वस्तुएं सब आपको नहीं देगा? बोलो, दे सकता कि नहीं? दे सकता। आमीन। इसलिए तारीफ करो जिसने आपको जो जीवन दिया है। हाँ, इसलिए बाइबल कहती है उसके अनुग्रह को व्यर्थ ना करो। क्या ना करो? व्यर्थ ना करो, व्यर्थ। इसलिए उसकी ग्रेस के नीचे जियो। परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानता, वो महिमा सहित, जब आप उसकी ग्रेस के नीचे रहकर उसकी आप महिमा करोगे, वो आपकी हर एक घटी पूरी करेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे।